हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मंगलवार को ग्राम मोड़ी में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निधि संग्रह अभियान को लेकर एक विशाल जन जागरण रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पंचायत भवन के समीप हनुमान मंदिर से आरती के साथ आरंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हाट चौक में एक सभा के रूप में समाप्त हुई। इस विशाल रैली का स्वागत ग्रामवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सह कार्यवाह मनीष शर्मा ने सभा में उपस्थित राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु हर वर्ग के राम भक्त को अपनी क्षमता के अनुसार अपना सहयोग देना है। राम मंदिर का निर्माण राम भक्तों के सहयोग से भी किया जाएगा। इस अवसर पर अभियान प्रभारी संतराम गुर्जर बाजना, सह प्रभारी संतोष चौधरी, देवकरण मीना, पायली गोर्धन रातड़िया, हर्ष तिवारी आदि उपस्थित रहे। आगर मालवा से हमारे सहयोगी अंकित दुबे की रिपोर्ट। उस सपने को साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। शायद हमने कई पुण्य कर्म किए होंगे जो आज हमें अवसर मिल रहा है। 1528 के अंदर जब बाबर का एक सेनापति मीर बाकी अयोध्या में पहुंचा था, ऐसा कहते हैं कि जब कोई जीतता है तो हारे हुए समाज को अपमानित करने के लिए वहां पर अपना कोई विजय स्मारक बनाता है, ताकि वो जो समाज है उसको देख करके कुंठित होता रहे, उसको इस बात का एहसास होता रहे कि किसी ने आकर हमको यहाँ पर पराजित किया था। उस मीर बाकी ने अयोध्या में हमारे आराध्य, जन जन के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर ध्वस्त कर वहां पर अपना एक विजय स्मारक के रूप में एक ढांचा खड़ा किया था, जिसको नाम दिया था बाबरी ढांचा। और लगातार वो हिंदू समाज को अपमानित करते हुए आ रहा था 500 वर्षों से, और समाज उस ढांचे के निर्माण के बाद 500 वर्षों तक हिंदू समाज चुप नहीं बैठा, और हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सतत संघर्ष किया। और एक दो नहीं, पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।